तो नमस्कार मेरे देवी और सज्जनों, अरे आइए आइए, आप सभी का इंतजार कर रहा था, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और वीडियो के मजे लीजिए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन के बारे में, और उसके बारे में काफ़ी कुछ अपडेट है जो मैं दूंगा, और एक पटक पटक नाम की एक मूवी है उसके बारे में भी एक अपडेट दूंगा। एंड हाँ, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था डिज्नी के CEO के बारे में, जो भी बातें मैंने बोली थी उस वीडियो में, वो सब कुछ अब सच हो रही है, यानी कि अपनी प्रेडिक्शन जिंदाबाद। तो आगे सब कुछ पता चल जाएगा वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। सो यप, लेट्स बिगिन। ये क्या साला, खिड़की तो खुला ही रखे गए, क्या गुंडा बनेगा रे इसको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं फटाक फटाक मूवी के बारे में। ये मूवी डिटो पोकेमोन की कॉपी है, यानी कि उसकी आर्ट स्टाइल, स्टोरी लाइन और बैटलिंग स्किल वगैरह इसकी कॉपी है। वैसे तो इंडिया काफ़ी सारे एनिमे और कार्टून्स की कॉपी करता है, मगर उसके बारे में आज हम नहीं बात करेंगे। इस फटाक फटाक मूवी के बारे में बात करेंगे, तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है और इसमें हमें पोकेमोन का थोड़ा देखने का भी मिल जाएगी, यानी कि उसका थोड़ा पार्ट्स जो कि उसमें आता है, यानी कि ये इंडिया की ही एनिमेशन मूवी है, बस उसमें थोड़ा पोकेमोन का मसाला है, ये मैंने नोटिस किया है, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसकी मूवी आने वाली है मार्वल HQ के ऊपर 19 दिसंबर सुबह के 9 बजे। हाँ, सुबह का टाइम है, तो देखना मत भूलिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है और ये इंडियन स्टाइल में है, यानी कि इंडियन पोकेमोन स्टाइल, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, काफ़ी बढ़िया मूवी रहने वाली है ओवरऑल, और इसका प्रोमो भी आप लोग देख सकते हो। टीम गामा निकली लेजेंडरी एलियनॉइड्स की तलाश में, कभी बर्फ में तो कभी रेगिस्तान में। मुझे चाहिए पावर जो मिलेगा मुझे एलियनॉइड से। तैयार? क्या टीम गामा लेजेंडरी एलियनॉइड्स को बचा पाएगी? अब तुम क्या करोगे गामा? देखो एक नया फटक फटक मूवी शेम का वर्ल्ड टूर 19 दिसंबर सुबह 9 बजे मार्वल। तो ये थी थोड़ी छोटी मोटी अपडेट, अब बात करते हैं पोकेमोन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि पोकेमोन के बारे में काफ़ी अच्छी अपडेट आई है हंगामा की तरफ से, उन्होंने एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है, जो कि हमें वही मैसेज चाहिए था पोकेमोन की अटेंशन क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो कि मैंने CEO के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बोला था कि CEO नया आएगा, तो काफ़ी सारे शोज के ऊपर अलग अलग व्यूज ऑफ पॉइंट्स है, वो नोटिस करेगा, स्टडी करेगा और उसके हिसाब से सभी शो को अपना टाइम देगा और उसमें से प्रॉफिट गेन करने का कोशिश करेगा, यानी कि रीच पैसे कमाने की कोशिश करेगा, और ये ऐसा ही हुआ है। तो पोकेमोन को उन्होंने अटेंशन दी है, थोड़ा भाव दिया है, तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या है अपडेट, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यार, ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था और ये अब सच हो रहा है, यानी कि हम सभी का रिएक्शन अभी ऐसा ही कुछ है। तो गाइस, पहले तो ये हंगामा का मैसेज देख लो, जिसमें पहले बोला गया है पोकेमोन फैम, यानी कि पोकेमोन फैमिली या फिर तो पोके फैंस, जो भी हो, इतनी सारी इज्जत दी है यार शुरुआत में ही, यार बड़ा अच्छा लगा, यार अच्छा लगता है भाई दिल से। तो यार, उसके नीचे हमें काफ़ी अच्छी बात बताई है, यानी कि नॉर्मली है, कुछ नहीं है, बस उसका टाइम स्लॉट चेंज हुआ है पोकेमोन का, 8 बजे से अब पोकेमोन आएगा। और यार, अब देखो यार, हंगामा ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है पोकेमोन में, यानी कि पोकेमोन अब इंडिया में अपना रंग दिखा रहा है। वैसे तो वो पहले से ही फेमस था, मगर उसकी रीच थोड़ी कम थी, अब ऐसा लग रहा है कि उसकी रीच धीरे धीरे हाई होती जा रही है, यानी कि उसका फेम बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें चाहिए था। और हमें प्लस वो भी चाहिए था कि हंगामा यानी कि डिज्नी उसके ऊपर एक्शन ले, यानी कि अपना इंटरेस्ट दिखाए, अटेंशन दे हमें, तो वही हमें अब मिल रहा है। तो हमारा भी अब फर्ज बनता है कि अब हम सपोर्ट करें, फुल सपोर्ट। एंड हाँ, आप सभी ने यह बात नोटिस की कि डिज्नी के CEO चेंज हुए और वैसे ही पोकेमोन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस होने लगा, यानी कि मैं अब क्या ही बताऊँ। आप सभी लोग ये वाला वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आपको बताया डिज्नी के CEO के बारे में, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो एक वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं वो सब कुछ फिर से रिपीट बोलूँगा तो बोर हो जाओगे आप सभी लोग, और मुझे बोर नहीं करना है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही अपडेट था, और हाँ, ये कुछ मामूली अपडेट नहीं है मेरे भाई, ये काफ़ी अच्छी अपडेट है, और इसके ऊपर ही आगे आने वाले पोकेमोन के सीजन्स डिसाइड हो गए, यानी कि पोकेमोन BW या फिर तो X और Y, दोनों में से कोई भी आ सकता है यार, दोनों ही तगड़े सीजन्स है, मगर जो भी आए हमें तो पोकेमोन देखना है, पहले X और Y आए या फिर तो BW आए, जो भी हो। और हाँ, मैं
इस टॉपिक के ऊपर एक प्रेडिक्शन भी करना चाहूंगा अगर आप सभी लोग की मर्जी हो तो, वरना तो मुझे कोई फोकट में गालियां खाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सभी लोग बोलोगे तो ही मैं प्रेडिक्शन करूंगा, वरना तो भाई नहीं करूंगा। भाई अपने को अपनी इज्जत प्यारी है। सो यार मुझे पता है आप सभी लोग को ये न्यूज़ सुनकर और हमारा ये वीडियो देखकर बहुत खुशी हुई होगी और आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रख ये ले। इतनी खुशी आज। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो ये वीडियो सभी के साथ शेयर कीजिए और सबको ये अपडेट बताइए, क्योंकि ये अपडेट सबको पता चलनी ही चाहिए। और हाँ, अगर नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ गाइस, पोकेमॉन जर्नीस मूवी अब 2 दिन में आने वाली है, तो बस यार मजे करो। और एक नई वीडियो लेजेंड वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पर, तो उसकी हाइप क्रिएट करो और कमेंट में बताओ यार। आप सभी लोग कमेंट नहीं करते आजकल यार, बताओ यार वीडियो कैसा लग रहा है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।